एक अजीब प्रकार की एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे कैसे आते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला नागपुर पुणे मुंबई यहाँ हमारे हॉस्पिटल है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत यह हमारा मिशन है। कई प्रकार के मानसिक रोगी हमारे पास में आते हैं, बीमारियाँ लेके आते हैं। एक लड़का करीब करीब 18-20 साल का हमारे पास में लाया जिसका मैं अभी आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो उसको बचपन से ऐसे कुछ अजब दौरे आ रहे, मतलब उसमें वो गद्दी के ऊपर ऊपर नीचे करेगा, ऐसे पलटी मारेगा, कभी नीचे गिर जाएगा, कपड़े में पेशाब उस समय कर देगा या नींद में पेशाब कर देगा। मतलब ऐसा स्पेसिफिक ऐसा जो मिर्गी रहता है वैसा नहीं है, वैसा नहीं था। माँ बाप बोलते थे नहीं ये पागल चाले करता है, ये पागल जैसा करता है, बराबर पढ़ाई नहीं करता। मतलब ऐसा अजीबोगरीब ऐसे अलग अलग लक्षण थे कि जो ना पूरे मानसिक बीमारी के थे या मेंटल के थे या पागलपन के थे, ना कोई फिट्स के थे। उसका मैं आपको वीडियो बताता हूँ, उसका एक इंटरव्यू बताता हूँ, आपको समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें कॉम्बिनेशन है एपिलेप्सी और पागलपन का। तो ये देखिए वीडियो। हाँ बोलिए, ये क्यों लाया था इसको यहाँ? ये रात में खटिया में गिरता था सर। हाँ, इधर उधर पलट लेता था, खटिया में पेशाब करता था। हाँ, और सर पलंग पे खटिया पे डाल ऐसा मारता था रात हाँ, में हाँ, दिन हाँ, में हाँ, और फिर आप पेशाब करने अपन उसको हिला हिला के ले जाते थे। हाँ, पेशाब कराने संडास कराने अपन को ले जाना पड़ता। हाँ, और उसके कारण लाया था हम यहाँ। अच्छा, अभी कैसे है? अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। खाना पीना भी करा, आराम से सो भी रहा। कोई बात की परेशानी, पेशाब भी बंद हो गया। ये खटिया पे से नीचे गिर रहा था। हाँ, नींद में? नींद में। अच्छा, खाना भी नहीं खाता था? खाना तो खाता था वो, फिर लेकिन नींद में वो गिरता था वो। अच्छा, ठीक है। कहाँ के रहने वाले आप? बरानपुर जिले। बरानपुर है, ठीक है। नाम क्या है इसका? लक्ष्मण। ठीक है, चलो अच्छा है ना? अभी बहुत फर्क है, अभी फायदा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। नानखेड़ा गांव है। नानखेड़ा क्या है? नानखेड़ा गांव है, कोस्ट तहसीलपुर है, तहसील करनार है। अच्छा, कितने दिन से बीमार था आने के पहले? तो 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से ऐसा ही? जैसा पैदावारी हुई उसके बाद में से ऐसा खटिया पे करने लग गया। तो 2-3-4-5 साल के बाद हमारे पता लगा कि भाई ये खटिया पे से इधर उधर करने लग गया और फिर गिरने लग गया। तो जब से तो अभी यहाँ अच्छा हो गया? अभी यहाँ पे ठीक है। हाँ, ठीक है। खाना पीना भी खटिया में अच्छा सोता है और पेशाब भी कम, अच्छा सोता है, पेशाब कम हो गया। हाँ, बड़बड़ कम करता है, सोता बराबर है। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना? थैंक यू। कैसा करता फिर से बता दो, कैसा करता था ये? हाँ, ऐसा मारता था। हाँ, ऐसा मारता था। हाँ, और ऐसा था वो। हाँ 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 फिर ऐसा सो जाता था। अच्छा, और उसके बाद में फिर इधर से अचानक ऐसा खटिया पे नीचे गिरता था। अच्छा अच्छा, और खटिया में लगी कर देता था पेशाब, पेशाब कर खटिया। ओके ओके, ठीक है, अभी ठीक है। अभी अभी ऐसा नहीं कर रहा है कुछ भी? नहीं, अभी ऐसा नहीं कर रहा। हाँ, इधर देख बेटा, कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया। क्या नाम है? लक्ष्मण। हाँ, पहले क्या करता था? पहले क्या करता तू? बोलना, बोल। हाँ, शर्मा नहीं, शर्मा नहीं कहीं। खेत में काम करने जाता था डॉक्टर साहब। हाँ, खेत में काम कर रहा था भाया उनके साथ में, निंदे घूमने के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो उसको हमने दवा दिया एपिलेप्सी की और मानसिक टेंशन दूर करने की दवाई दिया, और वो बोले कि अभी तक हमको कभी इतने 12 साल से 10-12 साल से पेशेंट बीमार है, कभी हमको इतना फ़ायदा हुआ ही नहीं। अभी रात को पेशेंट अच्छा सोता है, कोई झटके मारता नहीं है, कोई ऐसे बेड के ऊपर ऊपर नीचे नहीं करता है, सोता अच्छा है, पेशाब अभी करता नहीं है, और अभी काम भी करेगा, उनको ऐसा विश्वास है अभी काम पर भी जाएगा। मतलब ऐसा मिरेकल कॉज हो सकता है यदि हम बराबर
उसको डायग्नोस कर लेते हैं और पेरेंट्स भी समझो आके बराबर इलाज करते हैं, तो नहीं तो होता क्या है कि बाहर है, बाहर का है, कुछ तो भी करने का उटाल का है, ऐसा बोल के लोग बाहर का इलाज भूत पलित का कर लेते हैं और वही रहता है अक्सर। ये जो विलेज है अभी बता रही है, बरहानपुर के पास में उधर विलेज में है, धारणी के पास में विलेज में लोग है कि जहाँ बाहर का ही बोलते हैं, बाहर का है, विचक्राफ्ट है, भूत पलित लगवा, ऐसा बोलते रहते हैं और उसमें वो लगे रहते, इलाज नहीं करते। ये लड़का अच्छा हो गया। आप ये वीडियो लोगों को ज़रूर शेयर करो ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो जाए, मालूम हो जाएगा कि ये भी इस ऐसी भी तरह की मतलब फिट्स होती है, एपिलेप्सी होती है और मानसिक बीमारी इसके साथ साथ आ सकती है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।